बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और उनका हमारे एल्गोरिदम्स के साथ क्या रोल है। कितना ज़रूरी है एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर्स को या एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स को जानना और उनका यूज़ फिर हमारे एफिशिएंट एल्गोरिदम्स के अंदर। व्हाट इज़ अ डेटा? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। A set is a collection of distinct objects called elements of the set. Set वो चीज़ है जो कि हम elementary classes से पढ़ते आ रहे हैं कि एक collection of objects होते हैं जिसमें हर object एक distinct object होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें repeated object मौजूद हो, एक ही object repeat हो रहा हो। Sets are as fundamental to computer science as they are to mathematics. जितना इम्पॉर्टेंट सेट को पढ़ना हमारा मैथमेटिक्स के अंदर ज़रूरी है, उतना ही वो कंप्यूटर साइंस में भी इम्पॉर्टेंट है। इन सेट्स के बगैर हमारी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी कंप्लीट नहीं होता या शायद कंसेप्ट बन ही नहीं सकता। सेट्स कंटेन द डेटा और सेट्स रिप्रेजेंट द डेटा। डेटा की टाइप के किस किस्म का डेटा होना चाहिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सेट। Mathematics has well-defined sets with well-defined elements. Normally, mathematics के अंदर हमारे पास जितने भी sets exist करते हैं, they are the static sets. Maybe in higher mathematics, you may have the dynamic sets. Static sets वो sets होते हैं जिनके अंदर number of elements fixed होते हैं, वो change नहीं हो सकते with the passage of time. Whereas dynamic sets are the sets whose elements could be changed with the running of the program or with the passage of time. Computer science has both static sets and the dynamic sets. Static sets are the sets that are well defined and have fixed amount of elements. Dynamic sets, again, they are well defined and a criteria is defined to include or remove, to include the new elements or remove the old elements from the set. So well-defined sets that may increase or decrease elements during execution after the time. वहाँ पे देखें elements ही well-defined होते हैं और set भी well-defined है, number of elements भी fixed होता है। यहाँ पे criteria mention कर दिया जाता है कि उस criteria के तहत नए element add कर सकते हैं या पुराने elements को निकाल सकते हैं। Now here we look some example. In mathematics, you see that we have a basic set that is called n. Mean set of natural numbers that consist of 1, 2, 3, 4 and so on. W, set of whole numbers 0, 1, 2, 3 and so on. Z, set of integers 0, plus 1, negative 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 3 and so on. Then we have Q, set of rational numbers, the numbers that could be written in the form of P by Q. नॉर्मली ये चीज़ें आपको क्लास एट्थ नाइन्थ में पढ़ाई जाती हैं। R दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। I दैट इज सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। C सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो सेट लिखे हुए हैं, दे आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सेट साइज। सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर्स, उससे बड़ा होल नंबर्स, उससे बड़ा इंटीजर्स, उससे बड़ा set of rational numbers, उससे बड़ा set of real numbers, then there is set of imaginary numbers that may be equal to this or may not be equal to this, and the composite of both real and integer number is the complex numbers set. उसी तरह से, अच्छा यहाँ पर ये देखें कि जब हम मैथमेटिक्स में सेट को डिफाइन करते हैं, हमने नेचुरल नंबर का सेट डिफाइन किया तो दैट इज वन, दैट कंटेन्स वन, टू, थ्री, फोर, 5 and so on up to infinite numbers. लेकिन कंप्यूटर साइंस में जब हम प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास स्पेस इनफाइनाइट नहीं होती, लिमिटेड होती है। इसलिए वहाँ पे हम अपने लैंग्वेजेस के अंदर जो सेट्स डिफाइन करते हैं उनका साइज भी हम फिक्स करते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेटा टाइप्स आर बेसिकली द सेट्स। जैसा कि हम एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं चार करेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए बी सी अप टू समथिंग, ठीक है। वो तमाम आस्की टेबल या आस्की सेट जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है।
You can find the references of ASCII tables at numerous locations, at multiple locations on the internet. One of them is this, ASCIITable.com. Then we have unsigned char. Character ke set ke upar aap numbers ko bhi store kar sakte hain, aur ye example specific hai to the C language. Theek, to usme jab hum character pe number ko store kar sakte hain to wo number 0 se 255 ki range tak aa sakte hain. Aur agar hum usko that was the unsigned character, aur agar aap usko signed character ke taur pe lein to phir usme jo values hain that could be stored from 0 1 2 3 up to 127, aur reverse mein 0, minus 1, minus 2, minus 3, and up to minus 1 to 8. इसी तरह से अगर मैं ये suppose करूँ कि मेरे पास C का जो version है, जो compiler है, that stores an integer on 2 byte space, तो unsigned integer पे जो numbers, जो set size है, वो है मेरे पास 0 से लेकर 65,535 तक. इसी तरह से अनसाइंड के ऊपर हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 अप टू 65,000. ठीक है, तो ये हम एक बड़ा सेट डिफाइन कर लेते हैं. अगर हम साइंड इंटीजर की बात करें तो दैट में कंटेन द वैल्यूज फ्रॉम 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 32,767, माइनस 32,768, और पॉजिटिव में 1, 2, 3 अप टू 32,767. ठीक, तो ये हमारे पास सेट साइज निकला है. हमने एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए कि साइंड इंटीजर सेट के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होंगे, इससे बाहर कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता. इसी तरह से अनसाइंड लॉन्ग अगर हमारे पास हो सेट, तो उसके ऊपर ये इतनी बड़ी एलिमेंट की साइज है जो हम प्लेस कर सकते हैं, उसके अंदर मौजूद है 0, 1, 2, 3 अप टू दिस मच नंबर. Similarly, if we go for the long data type, mean signed long, so that would be 0, 1, 2, 3 up to this number, and minus 1, minus 2, minus 3 up to this number. इसी तरह से आप float data set को देखें तो उस पर range आपके पास numbers की इतनी बड़ी है. For example, that may be 3.4 into 10 to the power 38 positive में, और 1.2 into 10 to the power minus 38, right? सो ये हमारे पास सेट्स हैं. ठीक, मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट साइज सेट, कंप्यूटर साइंस में फाइनाइट साइज सेट्स. ठीक, और इन्हीं सेट को हम डेटा टाइप भी कहेंगे, ये बात जहन में रखिएगा. डिफाइनिंग अ वेरिएबल इन मैथमेटिक्स, अगर हमने मैथमेटिक्स में किसी वेरिएबल को डिफाइन करना हो तो दैट कुड बी डिफाइंड लाइक दिस, एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू एन. ठीक, एक्स कैन टेक any value from this set, but one value at a time. Similarly, जब हम computer science के अंदर variables को define करते हैं, तो the ways that unsigned int, set का नाम हम पहले लिखेंगे, variable का नाम बाद में लिखेंगे. यहाँ पे variable का नाम पहले, set का नाम बाद में. ठीक, यहाँ पे set का नाम पहले, variable का नाम बाद में. So that is the syntax to write the variable names. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल अपने मतलूबा सेट में से, अपने रेलिवेंट सेट में से एक वक्त में एक ही वैल्यू ले सकता है, उसी तरह से इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्स कैन टेक एनी वन वैल्यू फ्रॉम सेट अनसाइंड इंट एट ए टाइम. कोई भी वैल्यू एक वक्त में एक. ओके, तो इस स्लाइड पे हमें ये समझ आ गया कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस इज नॉट अ सेपरेट और डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग. दे आर वेरी मच इंटरलेटेड विद ईच अदर एंड वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. सेट्स एंड डेटा टाइप्स हमें क्लियर हो गए. ठीक, अब हम ये देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज है. अ स्पेशलाइज्ड वे टू ऑर्गेनाइज, प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक, एक खास तरीका जिसके तहत हम डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको उठाते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डेटा स्ट्रक्चर. देर आर मल्टीपल वेज टू मैनेज डेटा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सो देर आर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स
ऑफ कोर्स जब हम एक तरीके को कह रहे हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो अगर बहुत सारे तरीके एग्जिस्ट करेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत सारे होंगे. यूजुअली डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूजफुल टू सॉल्व स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली. राइट, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट कि आम तौर पे ये होता है कि एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम है तो उसको एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए ख़ास किस्म का डेटा स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा. डेटा स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं? डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा वैल्यूज़ कि कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, यानी सेट कौन सा होगा, सेट साइज़ क्या होगा, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे. देन देयर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, उस सेट के एलिमेंट्स के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा. एंड द फंक्शंस दैट कैन बी अप्लाइड टू द डेटा, कौन कौन से ऑपरेशंस या फंक्शंस हो सकते हैं उसको. ये तीन चीज़ें मिलके हमारा डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर फॉर ईच टास्क. अभी हमने बात की कि ख़ास किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ख़ास किस्म का डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा सूटेबल होगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक ज़्यादा सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर पिक कर सकें, चूज़ कर सकें टू सॉल्व आवर स्पेसिफिक प्रॉब्लम. लाइक एल्गोरिदम्स, अगर आप एल्गोरिदम अच्छा चूज़ नहीं करते, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, तो फिर हमारे प्रॉब्लम का टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है सम टाइम, या स्पेस कम्प्लेक्सिटी सम टाइम इतनी बढ़ जाती है कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर फिजिबल नहीं रहता. इसी तरह से अगर आप एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर भी चूज़ नहीं करते अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी आपके एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, उसको बुरा बना सकता है, उसको नॉन रिस्पॉन्सिव बना सकता है, आपका प्रोग्राम स्लो हो सकता है बहुत ज़्यादा. तो दोनों चीज़ें हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हुई. कौन कौन सी? नंबर वन, आप एल्गोरिदम बहुत अच्छा और एफिशिएंट सेलेक्ट करें. नंबर टू, आप डेटा स्ट्रक्चर भी मुनासिब सेलेक्ट करें ताकि आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी अच्छी हो जाए. जब हमें ये दो फैक्टर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें एल्गोरिदम्स को भी स्टडी करना है एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए, और हमें डेटा स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करना है एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए. नाउ वी लुक एट सम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स जिसके साथ हम पहले से ही फेमिलियर हैं, हम जानते हैं उनको. अ डेटा टाइप कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक, तो इस बात को जहन में रखें कि जब भी हम कोई डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, चाहे वो हम बनाएं या वो प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज हो, तो उसका हम डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आर स्टैटिक, दोनों दो किस्म के हैं, स्टैटिक बेसिक और स्टैटिक कंपोजिट, और इवन डायनामिक भी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ स्टैटिक को देख रहे हैं. स्टैटिक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल. और आप लोग ने अगर पहले ये सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप इनके साथ कैसे डील कर सकते हैं, कैसे आप वेरिएबल्स इन डेटा टाइप के बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. रिमेंबर, डेटा स्ट्रक्चर्स पहले से डिफाइंड है. जब आप उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप पहले से डिफाइंड है, जब आप उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं, दैट बिकम्स अ डेटा. स्टैटिक आर स्टैटिक कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास क्या आते हैं? अरेज. ठीक है, अब ये एक होमोजीनियस डेटा टाइप है जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे एक ही टाइप के. ठीक है, अगर अरे हम 10 एलिमेंट्स की बनाते हैं तो उसमें 10 के 10 जो एलिमेंट होंगे वो सारे फॉर एग्जांपल इंटीजर हो सकते हैं, वो सारे फ्लोट होंगे, वो सारे करेक्टर होंगे. ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर आधे जो है एलिमेंट्स इंटीजर हों, कुछ फ्लोट हों, कुछ रियल हों, मिक्स नहीं होगा. स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ अ कंपोजिट हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप मिक्स किस्म के एलिमेंट्स को लेके अरेज क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हम इनके आगे देखेंगे. इसी तरह से इनुमेरेशंस हैं, ठीक, वेयर यू कैन डिफाइन योर ऑन सेट साइज एज वेल. यहाँ पे आप बिल्ट इन सेट साइज को यूज़ करके उनके डेटा को एक्सटेंड करते हैं,
यहाँ पे अपना सेट साइज भी खुद ही मेंशन कर देते हैं. कंप्यूटर साइंस अलाउज यू टू बिल्ड योर ऑन सेट्स. यस, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कि जब हम मैथमेटिक्स में काम कर रहे होते हैं तो हम नए सेट बहुत या तो बनाते नहीं हैं या बहुत कम हमारे पास ऑप्शन होती है बनाने की, और वो भी बहुत ही हायर मैथमेटिक्स के अंदर जाकर. बट व्हेन वी आर डीलिंग विद कंप्यूटर साइंस, सो इट्स वेरी नॉर्मल दैट यू यूज ईदर ऑलरेडी डेवेलप्ड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर यू वर्क विद योर ऑन डिफाइंड और द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स इन योर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज मोर वर्सटाइल एज कंपेयर टू द मैथमेटिक्स. या मैं एक बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट यूज कर लूँ, कंप्यूटर साइंस इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, वेयर इन मैथमेटिक्स यू आर मोस्टली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच वेयर द नंबर्स आर एसोसिएटेड, बट इन कंप्यूटर साइंस यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेयर नंबर्स आर एसोसिएटेड, वेयर कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड, वेयर अदर डेटा टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल स्पीच, इमेज, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो एंड मैनी मोर थिंग्स, सो यू कैन प्रोसेस दैम. तो एक बात जहन में रखें जो कि मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में काम करना है तो आपका एटीट्यूड मैथमेटिक्स की तरफ बहुत अच्छा होना चाहिए, या फिर उसको बिल्ड करो, क्योंकि मैथमेटिक्स पेपर पे और कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर पे, बात वही है, तरीके वही हैं, मिलते जुलते हैं. ये बड़ी डोमेन है, वो कंपैरेटिवली से थोड़ी छोटी डोमेन है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं हमारे पास, लेट वी लुक एट दिस चार्ट. डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे पास स्केलर आते हैं, वेरिएबल्स, अरेज, ठीक. देन कम्स अप डिराइव डेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स, योर क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, डिक्शनरीज एंड मैनी मोर थिंग्स. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में आपके पास क्या हैं, इंटीजर्स हैं, रियल हैं, करेक्टर हैं, बूलियन हैं और इस किस्म की दूसरी चीज़ें. डिराइव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर फिर आपके पास दो किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. लीनियर में आपके पास क्या आती हैं, अरेज हैं, स्टैक्स हैं, लिंक लिस्ट है, क्यू है. और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास क्या आते हैं, ट्रीज, ग्राफ्स, हैश टेबल्स, और हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है. इस कोर्स के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है. डेटा स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी उनके कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि वो लैंग्वेज डिफाइंड हो या यूजर डिफाइंड हो, ठीक. लीनियर नॉन लीनियर, जैसे हमने यहाँ पे देखा, लीनियर एंड नॉन लीनियर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका, जैसे अरेज हैं, अरेज के हैं आपके पास होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स. देन स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स वो हैं जिनके सेट साइज ऑलरेडी डिफाइंड हैं कि इतना बड़ा सेट साइज होगा, जैसे हमने इंटीजर का देखा था 0 से 65,535 तक. लेकिन डायनामिक के अंदर जो है क्या होता है, आपके पास चॉइस मौजूद होती है, आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट यू कैन इंक्रीज और यू कैन डिक्रीज, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं. यूजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एनी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डील्स विद डेटा यूजेस डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक. और दैट वुड बी अ वेरी रेयर केस, आई थिंक देयर वुड नॉट बी अ केस कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर कोई डेटा यूज ना हो. और अगर डेटा यूज हो रहा होगा तो फिर डेटा स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा, यानी उस डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे उठाना है, कैसे रिट्रीव करना है, तो वो प्रोसेस भी उसके साथ एसोसिएटेड होगा. विदाउट डेटा स्ट्रक्चर नो डेटा प्रोसेसिंग इज पॉसिबल. तो हम एल्गोरिदम इसीलिए डिजाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो फास्टली और रैपिडली उसको हम प्रोसेस कर सकें. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास तमाम उन चीज़ों का नॉलेज मौजूद हो जो हमारे एल्गोरिदम को फास्ट बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं.
स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स, होमोजीनियस प्रिमेटिव्स एंड कंपोजिट्स दोनों उसमें मौजूद हैं होमोजीनियस में, जैसे स्केलर्स हैं हमारे पास, बुलियन यानी वो वेरिएबल्स या वो डेटा जो कि सिंगल एलिमेंट पे मुश्तमिल हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर। बुलियन है, करेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। देन देयर आर वैक्टर्स, वन डायमेंशनल अरे को हम आम तौर पे वेक्टर ही कहेंगे, वो चाहे बूलियंस की हो, करैक्टर की हो, किसी भी चीज़ की हो, ठीक। देन देयर आर टेंसर्स, मल्टी डायमेंशनल अरेज, 2D अरे, 3D अरे, 4D अरे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? टेंसर्स। और चूंकि ये तमाम मल्टी डायमेंशनल के लिए हम टेंसर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो हम अब आम तौर पे वेक्टर्स के लिए भी टेंसर का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, और समटाइम्स स्केलर के लिए भी टेंसर का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। स्पेसिफिकली हमारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त प्रोग्रामिंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, तो वहाँ पे हम टेंसर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, विच वुड स्टैंड फॉर ईदर स्केलर आर वेक्टर आर टेबल आर मल्टी डायमेंशनल अरेज। ओके, फॉर स्केलर डेटा स्ट्रक्चर एक्स, अब जब हम स्केलर की बात करेंगे, उसको डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था कि तीन उसके फीचर्स हैं। कौन कौन से? इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, तो एक्स के लिए में इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये सेट है, और इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर ने इसमें से ही वैल्यू उठानी है। रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा क्या होगा? कि ये वाला जो वैल्यू है ये कम होगी इस वैल्यू से, ये वैल्यू कम होगी इस वैल्यू से, एंड सो ऑन। देन वी विल आल्सो डिफाइन द फंक्शंस आर द ऑपरेशंस, कि कौन कौन से फंक्शंस या ऑपरेशंस इस डेटा सेट के साथ, इस डेटा स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इंटीजर्स वी कैन डिफाइन द एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन। यहाँ देखें, इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने एक स्केलर डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, अनसाइंड इंट एक्स, बेसिकली दिस इज अ डेटा, और दिस इज आल्सो पीछे इसके एक एसोसिएटेड डेटा स्ट्रक्चर भी है जिसकी वजह से ये डेटा डिफाइन हो सका है, ठीक है। ऑन एग्जांपल टू वी हैव डिफाइंड अ कंपोजिट वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर, बट इट इज होमोजीनियस, नॉट द हेट्रोजीनियस, एंड हेयर वी हैव अ हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ सम प्रीमेटिव डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल इंटीजर, करैक्टर एंड फ्लोट, ठीक। सो दैट इज नेम्ड एज स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर अरेज, जिस तरह हमने इंटीजर को डिफाइन किया है उस तरह से हम अरेज को डिफाइन करते हैं। वी से दैट, इस तरह से हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि इंट अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स विच बिलोंग टू, विच आर टेकन फ्रॉम द सेट इंट, देन देयर इज डेटा आइटम्स, ठीक है, आइटम्स फ्रॉम द सेट इंट, पहला फीचर। दूसरा फीचर है रिलेशनशिप, एन ऑर्डर रिलेशनशिप एज फॉर स्केलर, ठीक है, जैसे हमने स्केलर के रिलेशनशिप डिफाइन किया था वैसा ही रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। इसके ऊपर हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे, फंक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन है, इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, इस किस्म के और बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे जो हम इसके ऊपर डिफाइन करेंगे। अब लुक एट कि जो ऑपरेशंस अरेज के लिए डिफाइन किए गए हैं दे आर डिफरेंट, आर द सुपरसेट एज दैट ऑफ दोज डिफाइंड फॉर द इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हम जितने डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे हर डेटा स्ट्रक्चर के अपने फंक्शंस हो सकते हैं, उनके एलिमेंट्स अपने हो सकते हैं, उन एलिमेंट्स का रिलेशनशिप उसका अपना डिफाइन किया हुआ हो सकता है। दैट वॉज अ होमोजीनियस डेटा टाइप, एंड हेयर वी हैव द हेट्रोजीनियस डेटा टाइप विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्स, आमतौर पर सी में हम इसको देखते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट STD, आप एक स्केलर वेरिएबल उसका क्रिएट कर सकते हैं, आप उसकी फर्दर फिर अरे डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। हेयर यू कैन सी दैट वी हैव एन अरे कंसिस्टिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स, एंड एवरी एलिमेंट कुड बी एक्सेस यूजिंग द इंडेक्सेज विच रेंज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली when we define an array of structure variable or the composite data type, these variables could be considered as this. This is the one variable which is present at index 0 consisting of 3 subtypes,
another variable present at position 1 consisting of 3 subtypes, another variable consisting of 3 variables each of different type here. ठीक है, और ये वही previous example है जो हमने पिछली slide पे देखी थी. इसकी हमने यू अरे क्रिएट करके उसको डिफाइन किया, डिस्प्ले किया. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड आवर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स. डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारे इस कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, ऑल दो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन हमारा मेनली जो कंसिड्रेशन रहेगी वो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की तरफ ज़्यादा रहेगी. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. अब एलिमेंट्स ऑफ ए डायनामिक डेटा सेट कौन कौन से हो सकते हैं. ईच एलिमेंट ऑफ ए डायनामिक डेटा सेट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ऑब्जेक्ट. ठीक, अच्छा, अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कंपोजिट डेटा टाइप हो. दैट मे बी द प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट मे बी द होमोजीनियस डेटा टाइप, दैट मे बी द हेटरोजीनियस डेटा टाइप, एनी काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जामाइंड एंड मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखें कि जब हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट होगी. दिस वुड बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ आर प्रीवियस एलिमेंट ऑफ द डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, सो पॉइंटर का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सी में अगर आपने प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से की है तो आपको पॉइंटर का पता होगा, और अगर आपने नहीं की है तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बहुत रिकमेंड करूँगा कि टेक योर टाइम. ठीक, थोड़ा सा लग के बैठें और आप पॉइंटर के कंसेप्ट को क्लियर करें कि किस तरह से एक पॉइंटर जो है सी में वो दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करता है. ठीक है, दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल. एंड आप तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का पर्पज़ यही होता है कि उसने मैक्सिमम चीज़ों को सीखना है शौक़ से, ज़बरदस्ती नहीं. तो हिम्मत करें, और थोड़ा अगर आपका लैंग्वेज कमज़ोर है सी की, या आपकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं है, सो गेट दैट स्ट्रेंथन्ड नाउ. अ डेटा स्ट्रक्चर मे हैव एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स. अ डेटा स्ट्रक्चर मे हैव एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स. ठीक है, जब हम पॉइंटर्स की बात करेंगे या हम आगे फर्दर कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स की तरफ जाएंगे तो उसमें ये कंसेप्ट हमारा इम्पॉर्टेंट होगा. की वैल्यू पेयर्स, वैल्यू इज की वैल्यू पेयर, वैल्यू इन की वैल्यू पेयर इज आल्सो नोन एज सैटेलाइट डेटा. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अरेज में कहते हैं कि जी ये इसका इंडेक्स ज़ीरो है तो वहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई है. ठीक है, आप इंडेक्स ज़ीरो को की समझ सकते हैं, और जो इंडेक्स जीरो पे वैल्यू पड़ी होगी आप उसको वैल्यू कह सकते हैं, दैट इज़ अ की वैल्यू पेयर. इन एडिशन टू यूजुअल ऑपरेशंस, न्यू ऑपरेशंस मे बी डिफाइंड फॉर द डायनामिक सेट्स. दैट्स इंटरेस्टिंग कि जब आप डायनामिक सेट कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर रहे होंगे तो आप उसका सेट साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स का रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं, और आप उसके ऊपर नए ऑपरेशंस भी डिफाइन कर सकते हैं. सो हेयर आर फ्यू ऑफ द ऑपरेशंस आर मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस दैट वी हैव टू डील विद व्हेन वी आर यूजिंग द डायनामिक डेटा टाइप्स. ठीक, ऑपरेशंस ऑन डायनामिक डेटा सेट्स कौन से होंगे. सर्च, कि आपके पास सेट दिया हुआ हो एस, आपने उसमें से की के को सर्च करना हो. इंसर्ट, आपके पास सेट एस हो, आपने उसमें एलिमेंट एक्स को इंसर्ट करना हो. डिलीट, एस एक्स, आपके पास सेट एस मौजूद है, आपने उसमें से एक्स एलिमेंट को डिलीट करना है या रिमूव करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम ऑफ द सेट, यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द सेट. सक्सेसर एस ऑफ एक्स, के सेट एस में एक्स से एक्स के बाद कौन आ रहा है, और प्रीडिसेसर सेट एस में एक्स से पहले कौन सा एलिमेंट है, और पेरेंट. ठीक है, कि हमारे समटाइम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी होगा जिसमें हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाएंगे, तो उसमें हम पेरेंट को फाइंड करने के लिए ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं कि सेट एस में एक्स का पेरेंट कौन है.
डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स, अब हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ऑल दो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इनको पहले पढ़ चुके होंगे, हम सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं. स्टैक्स, अ स्टैक इज कंसिडर्ड एज लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट काइंड ऑफ लिस्ट. डेटा आइटम्स, एनीथिंग दैट वी डिफाइन इंटीजर रियल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स दैट इज कॉल्ड द डेटा आइटम, जो कि हम इसमें स्टैक के ऊपर प्लेस करेंगे. यानी स्टैक जो है, फर्स्ट वी लुक एट द प्रोसेस ऑफ स्टैक. दिस इज द स्टैक ऑफ प्लेट्स. आपने सबसे नीचे एक प्लेट रखी, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट, फिर पांचवी प्लेट. तो पांचवी प्लेट को सबसे आखिर में रखा, और अगर आप रिमूव करना चाहेंगे तो फिर सबसे पहले आप आखिरी प्लेट को रिमूव करें. आप में से कोई कह सकता है कि सर हम दरमियान में से भी रिमूव कर सकते हैं. यस यू कैन डू, लेकिन ये इस किस्म का प्रोसेस हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर हम उस प्रोसेस को फॉलो भी करेंगे. हमने प्रोसेस क्या फॉलो डिफाइन किया कि जो प्लेट हमने प्लेस करनी होगी वो सबसे टॉप पे प्लेस करेंगे, और जो प्लेट हमने निकालनी होगी वो टॉप से ही निकालेंगे. तो अपने डिफाइंड प्रोसेस को हम वायलेट नहीं करेंगे. दैट इज़ वन डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर आप कहते हैं दरमियाने में से भी प्लेट को निकाल लें, तो दिस वुड बी अनदर डेटा स्ट्रक्चर, अनदर काइंड, एक और तरीका डेटा को प्लेस करने का और रिट्रीव करने का. तो आप डेटा आइटम्स को प्लेट्स के तौर पर समझ सकते हैं कि उनको हम कैसे प्लेस करेंगे रैम के अंदर और कैसे उसको उठाएंगे. रिमेंबर, हम रैम मॉडल हमने पढ़ा था, हम उसी को यूज़ करें. हम सपोज करें कि हमारा सारा डेटा रैम में स्टोर हो रहा होगा और रैम से ही आ रहा होगा. सो व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ डेटा स्टैक, सो आवर डेटा आइटम्स कुड बी एनीथिंग. इंटीजर्स हो सकते हैं, रियल्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कुछ भी. रिलेशनशिप, अच्छा ये देखें, ये तीन चीज़ें वही हैं हम डिफाइन करें जो हमने शुरू की एक स्लाइड में देखा था कि जी आप डेटा आइटम डिफाइन करें, उनके रिलेशनशिप डिफाइन करें, और उनके ऊपर फंक्शंस डिफाइन करें. तो हम ये तीनों चीज़ें स्टैक के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं. रिलेशनशिप क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इंसर्शन ऑफ डेटा आइटम्स विच केम फर्स्ट एंड विच केम नेक्स्ट. ये जो सीक्वेंस हम उनका डिफाइन करेंगे, दैट वुड डिफाइन द रिलेशनशिप. वेट इज, मतलब प्रीडिसेसर कौन सा है, सक्सेसर कौन सा है, करंट एलिमेंट कौन सा है. तो इन चीज़ों का हम डिफाइन कर रहे होंगे. अब हम वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन नहीं कर रहे. रिमेंबर, हम ये नहीं कह रहे कि ए इज स्मॉलर देन बी, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि पहले कौन सा एलिमेंट आया और बाद में कौन सा एलिमेंट आया. फंक्शंस, फंक्शंस दो किस्म के हैं, ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज. ऑपरेशंस कौन से हैं? इंसर्ट और डिलीट. यानी हम इसमें से प्लेट प्लेस कर सकते हैं या आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं, और प्लेट को रिमूव कर सकते हैं या आइटम को निकाल सकते हैं. इसी ऑपरेशन को जब हम स्टैक के साथ एसोसिएट करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन. वी डिफाइन दैट इंसर्ट ऑपरेशन ऑलवेज इंसर्ट्स एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट हियर. डिलीट ऑपरेशन को हम पॉप भी कहते हैं, और इसको भी हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि वी विल ऑलवेज डिलीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास? दो हैं. एम्प्टी, व्हेन देयर इज नो आइटम इन द स्टैक, इसको हम कहेंगे अंडरफ्लो हो गया. और फुल, व्हेन द स्पेसिफाइड कैपेसिटी इज फिल्ड. हाल दो हमारे पास डायनामिक डेटा सेट्स का कंसेप्ट ये है कि हम उसमें नए एलिमेंट्स डाल सकते हैं और नए एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं. लेकिन रिमेंबर, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर के अंदर स्पेस इनफाइनाइट नहीं होती. ठीक है, तो हम पहले से बताते हैं कि भाई इतनी स्पेस में है, फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट की स्पेस है, तो हम इसी में ही एलिमेंट डालेंगे और इसी में से निकालते रहेंगे. मैक्सिमम साइज 10 एलिमेंट का हो सकता है, उससे नीचे नहीं, उससे बड़ा नहीं. ठीक है, सो फुल का कंसेप्ट जो है, स्टैक का फुल होगा, तो ये हमें उससे अंदाज़ा हो गया, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द फाइनाइट मेमोरी. स्टैक ऑपरेशंस, एल्गोरिथम एनालिसिस, हम इसका एनालिसिस करते हैं. ठीक है, और इसको हम पहले ऑपरेशंस को देख लेते हैं. पहला ऑपरेशन है स्टैक एम्प्टी का. स्टैक एम्प्टी ऑपरेशन में हमारे पास क्या होगा? स्टैक मौजूद है, हम देखेंगे क्या स्टैक डॉट टॉप इज इक्वल टू जीरो. टॉप एक पॉइंटर है जो हमने मैनेज किया होगा, विच वुड ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू द टॉप पोजिशन ऑफ द स्टैक. ठीक है, अच्छा हम इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये सपोज करते हैं कि हमारा टॉप एलिमेंट जो है, जितने एलिमेंट हमारे स्टैक में आ चुके हैं उससे ऊपर पहली खाली स्पेस को पॉइंट कर रहा होगा. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं. इस पहली इम्प्लीमेंटेशन को देखें
इस एरे में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कहते हैं एस डॉट टॉप इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये एम्प्टी है, तो वी विल रिटर्न ट्रू. ठीक, एल्स वी विल रिटर्न फॉल्स. ठीक हो गया. अच्छा, ये जो हमारे पास स्टैक एम्प्टी का प्रोसेस है, इसके अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो वन टाइम कॉस्ट लगेगी इसको और वन इसको. एल्स की कॉस्ट नहीं होती और वन इसकी. तो वर्स्ट केस के अंदर जो है ये ट्रू हो जाए और ये इसकी कॉस्ट हो, तो वन फॉर दिस, वन फॉर दिस टू, या वन फॉर दिस एंड वन फॉर दिस टू, तो टोटल कॉस्ट टू. ठीक है, और फाइनली दैट वुड सम अप टू बी वन. ठीक, इसी तरह से पुश ऑपरेशन है. पुश ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि एस डॉट टॉप, ठीक है, इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ प्लस वन. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास कहीं एस डॉट लेंथ तक तो हम नहीं पहुंच गए, मतलब स्टैक फुल तो नहीं हो गया. अगर फुल हो गया तो हम कहेंगे रिटर्न माइनस वन, मतलब फुल हो गया, एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता. एल्स एस डॉट टॉप के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम ये आठ वन एट वन वन एंड फाइव ये हम इंसर्ट कर चुके हैं, तो अभी हम एस डॉट टॉप यहाँ पे, तो जो नया एलिमेंट आया है उसको यहाँ पे प्लेस करें और एस डॉट टॉप को एक आगे बढ़ा दें. ठीक है, लेट्स से दैट हमारे पास जो नया एलिमेंट है दैट इज सिक्स, तो सिक्स को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और हमारा एस डॉट टॉप जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर, अगले खाली एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा. तो हम क्या करें, एल्स एस डॉट टॉप इज एक्स, इसको यहाँ प्लेस किया, एस डॉट टॉप को एक बढ़ा दिया और रिटर्न जीरो. रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया. अब यहाँ पे हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें, वन फॉर दिस कॉस्ट सी वन और वन फॉर दिस, अगर ये ट्रू हो जाए तो टू कॉस्ट हो गई, और अगर ये फॉल्स हो जाए तो वन फॉर दिस टू, वन फॉर दिस थ्री, वन फॉर दिस फोर, तो हमारे पास फोर कॉस्ट आ गई. ठीक है, और फोर कॉस्ट के केस में हमारे पास फिर अगेन एक कॉन्स्टेंट कॉस्ट बनेगी, वो कॉन्स्टेंट कॉस्ट हमारी जो है, अगेन वी कैन से दैट दैट इज ओ ऑफ वन. ठीक, ओ ऑफ वन यानी वर्स्ट केस उसका जो टाइम है दैट इज वन. इसी तरह से पॉप ऑपरेशन है. पॉप ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारा पॉइंटर खड़ा होता है हम अपने पॉइंटर को एक पीछे लाते हैं और वहाँ से एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं. लुक एट दिस नाउ द एल्गोरिदम. पॉप एस इफ स्टैक एम्प्टी एस, अगर ये एम्प्टी नहीं, ठीक है, यानी ये ट्रू हो जाएगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा अंडरफ्लो मीन एम्प्टी. अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हम यहाँ पे आएंगे और टॉप को एक हमने कम किया, टॉप को पीछे लाए एक और वहाँ से उस एलिमेंट को उठा के रिटर्न कर दिया, तो सिक्स आपका रिटर्न हो गया पॉप के ऊपर. ठीक, और इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी, एक कॉस्ट इसकी है एक इसकी है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अगेन इसकी कॉस्ट टू है, या फिर ये फॉल्स अगर होगा तो एक कॉस्ट इसकी पड़ेगी हमें और एक इसकी और एक इसकी, तो तीन, तो तीन कॉस्ट, मतलब ये भी कॉन्स्टेंट कॉस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ओ ऑफ वन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टैक का साइज 15 हो जाए तो पॉप ऑपरेशन का टाइम चेंज हो जाए, या स्टैक का साइज 5000 हो जाए तो पुश का टाइम चेंज हो जाए. इट वुड नॉट. द टाइम टेकन बाय स्टैक एम्प्टी, पुश, पॉप, दैट वुड बी सेम फॉर ऑल ऑपरेशंस एंड दैट वुड रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर एनी साइज ऑफ इनपुट. तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं फॉर दिस डायनामिक डेटा सेट. नेक्स्ट द क्यू, दूसरा डेटा सेट हमारे, दूसरा डायनेमिक डेटा टाइप. क्यू कुड बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट फीफो. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्यू बनी हुई है लोगों की, तो जो सबसे पहले आया पर्सन वो सबसे पहले सर्व होगा, उसके बाद उसके आने वाला सर्व होगा एंड सो ऑन. और यहाँ पे आप देखें कि जो अगर आपने कोई बंदा निकालना हो, कोई पर्सन निकालना हो इस क्यू में से, तो जो सबसे पहले आया है आप उसको पहले निकालेंगे और कोई नया बंदा आ गया तो आप उसको एंड पे प्लेस करेंगे यहाँ पे. ठीक, तो वी से दैट दिस डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्स टू पॉइंटर्स. ठीक, फर्स्ट पॉइंटर दैट इज कॉल्ड
the head. Second pointer, that is called the tail. ठीक, तो जब आपने एलिमेंट निकालना होगा तो आप हेड से निकालेंगे, और जब आप एलिमेंट इंसर्ट करना होगा आपने तो आप टेल पे इंसर्ट करेंगे. टू पॉइंटर्स आर मेंटेन, क्यू हेड एंड क्यू टेल. ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? इंसर्ट, इंसर्ट ऑपरेशन को हम एन क्यू भी कहते हैं. इंसर्टिंग द एलिमेंट एट द टेल ऑफ द लिस्ट, यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करेंगे इससे पीछे. डिलीट, डी क्यू. रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द लिस्ट, यहाँ से डिलीट परफॉर्म होगा या डी क्यू होगा. प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक स्टैक, इसकी भी दो प्रॉपर्टीज है, एम्प्टी एंड फिल्ड. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी क्यू बनी हुई है. दिस पॉइंट्स टू द हेड ऑफ द क्यू, दिस पॉइंट्स टू द टेल ऑफ द क्यू. हमने इंसर्ट करना होगा तो इस तरफ से इंसर्ट करेंगे, डिलीट करना होगा तो इधर से डिलीट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखें कि आपके एक नया एलिमेंट हम थ्री इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो हमने उसको यहाँ पे टेल पे इंसर्ट किया, और इस फिगर में हमने एक एलिमेंट एक्स जो था उसको डिलीट किया या उसको डी क्यू किया, तो वो यहाँ पे जो हेड के ऊपर एलिमेंट था उसको हमने डी क्यू किया. ठीक है, इस तरह से अगर हम डी क्यू करते रहें तो एक स्टेज आएगी कि क्यू टेल और क्यू हेड एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा, और अगर हम इस एक को भी निकाल देंगे तो क्यू हेड पीछे आ जाएगा, तो क्यू हेड वुड बी लेसर देन क्यू टेल, मतलब हमारे पास अंडरफ्लो हो गया, क्यू एम्प्टी हो गई. क्यू की अब दो इम्प्लीमेंटेशंस यहाँ पे दिखाई गई हैं. नंबर वन, जब आपने क्यू में किसी एलिमेंट एक्स को इंसर्ट करना है तो आप क्यू के टेल पर जाएंगे, ठीक है, और उस पे एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे. ठीक, और क्यू टेल इज इक्वल टू, ओके, तो क्यू टेल को आप एक कम कर देंगे. ठीक है, लेट से दैट इस एन क्यू प्रोसेस को अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो दैट वुड लुक लाइक दिस. ये आपके पास क्यू मौजूद है, यहाँ पे टेल पॉइंट कर रहा है, ठीक, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेड पॉइंट कर रहा है. ठीक, तो यहाँ तक एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मैं टेल को एक पीछे ले आऊँ, ठीक, और इस पोजीशन से ये पीछे आ गया और यहाँ पे नया एलिमेंट में इंसर्ट कर दूँ. ठीक, और इसी तरह से अगर मैं डी क्यू पे जाऊँ तो डी क्यू में मेरे पास क्यू मौजूद है, यहाँ से मैंने हेड पे पड़ा हुआ एलिमेंट निकालना है, तो क्यू डॉट हेड जिस जगह को पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट को मैं निकाल दूँ, ठीक, और हेड को मैं एक पीछे ले आऊँ. ठीक, और एक्स रिटर्न हो जाएगा. सो दिस इज वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू. एक दूसरी इम्प्लीमेंटेशन जो कि आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज दिस. ठीक, इस इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं, अगेन आइडिया आपको समझ आ गया. कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है. आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू रीड दिस फ्रॉम द बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. कोई मुश्किल नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. ठीक है, रिमेंबर मैंने स्टार्ट में आपको कहा था इस कोर्स के कि बुक का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो मैक्सिमम बुक की स्टडी करता है. नंबर वन. नंबर टू, अगर आप ये कर चुके हैं तो फिर भी आपको मैं कोशिश करूँगा कि डू द प्रोग्रामिंग इट, प्रोग्राम इट, जाएँ सी को रिवाइज करें और ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करें. जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन एल्गोरिदम्स को जो हमने आज पढ़े दो, आप इनको स्टैक को और क्यू को सी में या किसी भी लैंग्वेज में जो आपको बहुत अच्छी आती हो उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो अल्लाह हाफिज. यू कैन सेंड मी योर कमेंट्स एट माई ईमेल एड्रेस. यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल कम डेक्स्ट. Thank you.